हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। सीमेंट सीरीज की हमारी ये 13 वीडियो हैं। इससे पहले हम 12 वीडियो देख चुके हैं और आशा करता हूँ मैं कि आपने उनमें बहुत सारा कुछ सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड सीमेंट के बारे में। ये होती क्या है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है उसमें 3 टाइप की सीमेंट मैक्सिमम यूज़ की जाती है, PPC, OPC एंड PSC। इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ और देखेंगे आज हम OPC में 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड के बारे में। OPC में 3 ग्रेड्स आते हैं, 33, 43 एंड 53, तो जिसमें से हम आज 43 एंड 53 ग्रेड के बारे में देखेंगे। और इनका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है 53 ग्रेड सीमेंट जो अपनी स्ट्रेंथ है 530 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसकी होती है और आफ्टर 28 डेज ये अपना गेन कर लेती है। और जो 43 ग्रेड सीमेंट है ये अपनी स्ट्रेंथ जो अचीव करती है वो होती है उसकी 430 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर इसको हम न्यूटन में देखें तो इसकी रहेगी 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 53 ग्रेड के सीमेंट के बारे में देखेंगे हम तो इसकी रहेगी 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसमें जो दिखाया गया है आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये पिक में, कि ये इतना जो है एक अंगूठे के बराबर यानी एक सेंटीमीटर के, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर ये इतना किलोग्राम का वेट ले सकती है ये सीमेंट 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। इनके अपने अपने जगह यूज़ करने के तरीके हैं, कौन सी जगह कौन सी यूज़ करते हैं आगे देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम ये दोनों सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ 28 डेज में गेन कर लेती है। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि 53 ग्रेड सीमेंट जो है हमारी ये क्विक स्ट्रेंथ देती है हमें, लेकिन ये पहले अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं और इसका ब्रिज वगैरह में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क करना है वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। और जो 43 ग्रेड सीमेंट है इसको हम जनरल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम एक ही प्राइस की मिलने के कारण मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 43 एंड 53 ग्रेड्स मार्केट में लगभग सेम प्राइस पे अवेलेबल है। 53 का थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। तो ये जो है 43 ग्रेड्स हमारा RMC में मैक्सिमम यूज़ करते हैं जहाँ पे मिक्स डिज़ाइन के अनुसार वो अपनी स्ट्रेंथ ले लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं एंड फिर जनरल वर्क्स जो हैं RCC वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन 53 ग्रेड IHB और जनरल किसी भी वर्क में आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, 53 ग्रेड सीमेंट बिल्कुल क्विक सेटिंग देती है हमें जिससे हम स्पीड से वर्क करते हैं और इसकी 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। और जो 43 ग्रेड सीमेंट है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है स्ट्रेंथ देने का है तो इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी लो होती है 53 सीमेंट के मुकाबले। जो 53 ग्रेड है वो जल्दी देती है, 43 ग्रेड थोड़ी स्लो देती है, लेकिन ये अपने ओवरऑल पीरियड 28 डेज में अपनी 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं हम, 53 ग्रेड सीमेंट जो है हमारा मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा देती हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के कारण क्रैक्स वगैरह जनरेट हो सकते हैं और क्रैक्स वगैरह की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें माइक्रो क्रैक्स ऐसे देखे जा सकते हैं। लेकिन जो 43 ग्रेड सीमेंट है ये बहुत लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करती है जिससे इसमें क्रैक्स वगैरह की कंडीशन कम होती है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा, जो हमारी 53 ग्रेड सीमेंट है ये थोड़ी बहुत 43 के मुकाबले कॉस्टली होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।